दिया तुमने मेरे फरहान को, कर दिया ना जिसका मुझे डर था। ज़रीन भाभी, मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन लेकिन की आड़ लेना छोड़ दो नैंतारा, अब मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ। मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा, लेकिन तुम्हारे पास भी हमें कुछ नहीं बचने दूंगी नैंतारा, मैं उसे मार दूंगी। ज़रीन भाभी, आप अरसलान को मुझे अभी वापस करें। ज़रीन, एक भी कदम मेरे आगे बढ़ाए ना फरहान, मैं इसे फेंक दूंगी। देखो देखो ज़रीन, तुम प्लीज अरसलान को नैंतारा को दो, तुम्हें जो गुस्सा मुझसे है ना, मुझसे शिकायत है, आप बैठ के हल करते हैं, प्लीज अरसलान को करने के लिए रह क्या गया है फरहान? इस औरत ने और इस बच्चे ने आपको छीन लिया है मुझसे फरहान। मैंने सोचा था नैंतारा की शादी करा के इस बच्चे को मैं खुद ले दूंगी, वैसे नैंतारा से भी ज्यादा प्यार दूंगी। अरसलान को तो दे दो, इधर आओ अरसलान को, इसे लेके जाएं यहां से। देखो ज़री, जो कुछ भी हुआ है इसमें छोटे का क्या कसूर था कि तुम इसे मारने चली थी? इतना जहर भरा है, इतना जहर भरा है तुम्हारे दिल में नैनतारा उसके बच्चे के लिए? हाँ भरा है मेरे दिल में जहर, और क्यों ना भरे, इसने और इसके बच्चे ने आपको छीन लिया है मुझसे फरहान, मेरा घर बर्बाद किया इसने, तो मैं कैसे उसे आबाद रहने दे सकती हूँ? तुम नैनतारा को बर्बाद कर ही नहीं सकती, क्योंकि अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। मुझे निकाल रहे हैं फरहान? हाँ निकाल रहा हूँ मैं तुम्हें, जब तक तुम्हारे दिमाग ठीक नहीं हो जाता मैं तुम्हें यहाँ रखने का रिस्क नहीं ले सकता, जा रही हूँ तुम यहाँ से। अरसलान मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। ठीक है, फिर रहे आप अपने अजीजों के साथ, जब मेरी इस घर में और आपकी जिंदगी में अहमियत नहीं है ना, तो यहाँ रहकर भी मैं क्या करूंगी।